Good evening, everybody, and a very, very, very warm welcome to one of the day which is ideally, actually, and formally ours. I think jitne bhi hum yahan on house hain, wo sab shayad kahin na kahin is industry se, is profession se, aur is event managers jaise jude hue hain. तो आई थिंक वी शुड गिव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आरसेल्फ, बिकॉज साल में एक दिन हमें सेलिब्रेट करने के लिए मिलता है, बाकी दिन तो हम दुनिया के लिए काम करते हैं. सो आई वुड रियली वेलकम सर, मैम एंड रेस्ट ऑफ आर पीपल हु हैव ऑनर्ड अस ऑन दिस पर्टिकुलर डे टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड. एंड ये सेशन एक्चुअली किसी और मोड पे शुरू हो रहा था, बट फॉर्मली इसको इवेंट मैनेजर्स डे से कनेक्ट करने के लिए शायद अर्शद जी ने इसको ऑल ऑफ अ सडन चेंज किया कि नहीं, पहले हम अपनी स्टोरी समझ लें और साथ के साथ हमारे जो डिग्नेटरी हैं उनके साथ भी डिस्कस करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस राहुल तनेजा. ही इज बेसिकली, अगर मैं ब्रीफ करने जाऊँ तो 15 साल की स्टोरी बहुत छोटी लगती है और जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत बड़े हैं. राहुल स्टार्टेड हिज करियर विद अ स्मॉल रेस्टोरेंट सर्विस एग्जीक्यूटिव, और इनके बकेट में इस 15 साल के करियर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहूँगा कि राहुल ही अपने मुँह से ब्रीफ करें, तो वो ज़्यादा इंस्पिरेशनल रहेगा बजाय कि मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूं या एक्सप्रेस करूं. सो फॉर्मली स्टार्टिंग दिस सेशन, मैं सबसे पहले राहुल को वेलकम करता हूं. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि आज आप राहुल की जो पर्सनैलिटी देख रहे हैं, ये वो डेडिकेशन, वो चैलेंज और वो इनर स्ट्रेंथ है जो एक्चुअली हम सब में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अभी जैसे लेफ्टिनेंट सर ने कहा कि ये जो एक इनर सेल्फ है, जो एक कैरेक्टर बिल्डिंग है या जो एक हमारे अंदर की एक स्ट्रेंथ है, वो हमें सही डायरेक्शंस पे लेकर जाती है. एंड आई थिंक राहुल इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इट. अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सर्टन फिजिकल प्रॉब्लम ही वॉज स्ट्रिक्टली ऑन बेड फॉर 15 मंथ्स. 15 महीने 16 महीने तक राहुल स्ट्रिक्टली ऑन बेड थे ड्यू टू सर्टन फिजिकल प्रॉब्लम. लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो इनर स्ट्रेंथ और जो एक विजन और जो एक टारगेट था लाइफ का, दैट टारगेट, दैट विजन, दैट स्ट्रेंथ ऑफ हिज इनर हैज मेड हिम कम आउट लाइक दिस. और आज राहुल आपके सामने हैं. Honestly, if I'm not wrong, I would request you कि आप थोड़ा सा ब्रीफ करके और वो जज्बा आप शेयर करें जिसके कारण से आज आप हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं. जज्बा मेरे ख्याल से प्यार का है आपका, आपने मुझे याद किया इस लायक समझा. देखिए, मुझे माइक का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है. मुझे याद आता है 1999 के बाद मैंने अभी माइक हाथ में लिया है, तब भी अर्शद भाई ने माइक थमाया था, आज भी उन्होंने थमाया है. तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे अगर कुछ गलतियाँ मुझसे होती हैं बोलने तो. और सेकेंडली, मेरा सर इंग्लिश में हाथ तंग है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप हिंदी में बात करें. मैं एक्चुअली क्या है, पब्लिक को इंग्लिश में ब्रीफ कर रहा था, आपसे सवाल में हिंदी में पूछने वाला, आप चिंता मत करें. एक्चुअली पढ़ा लिखा कम हूँ मैं थोड़ा सा. तो बात आती है स्ट्रगल की, जैसा सर ने मुझे बोला अभी, स्ट्रगल मेरे ख्याल से सब लोग कर रहे हैं, अपने स्तर पर कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं. मैंने भी करी और शायद ईश्वर ने कुछ ज़्यादा साथ दे दिया मेरा, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव इन फॉर्च्यून, किस्मत पे विश्वास करता हूँ काफ़ी ज़्यादा मैं. किस्मत आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है और फिर आप उसको अपनी मेहनत से इनकैश करते हो, उनको आप अचीव करते हो. तो आई गेस इतना शॉर्ट में काफ़ी है, बाकी कुछ और बताना चाहूँगा अपने बारे में अगर आप कहें तो. नहीं, डेफिनेटली आप यू कैन, आप अपने बारे में और ज़्यादा पब्लिकली अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे तो लोगों को ज़्यादा मालूम पड़ेगा, बिकॉज ये इंट्रैक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. तो क्या मुझे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बताना चाहिए? नॉट एग्जैक्टली, आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए अपने लाइफ के बारे में और अपने अचीवमेंट्स के बारे में, एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड. उसी से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का कनेक्शन है. 99 के बाद आज माइक मिला है तो मैं थोड़ा नहीं बोलूँगा. और लोगों ने तालियाँ बजाती हैं तो मुझे लगता है मुझे बोलना ही पड़ेगा. नहीं, बहुत ज़रूरी है बोलना. चलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ. मैं 11 साल का था, मैंने अपना घर छोड़ा था. बहुत छोटी उम्र होती है ये, इस एज में बच्चे को ठीक से कपड़े पहनने नहीं आते.
उस एज में मैंने अपना घर छोड़ा था, अपने पैरों पे खड़ा हुआ। घर छोड़ते ही कुछ नहीं सूझा मुझे, तो एक रोड साइड ढाबे मैंने काम करा एज अ वेटर। 2 साल रहा वहाँ पर मैं, आदर्श नगर में बर्फ़ कारखाने चौराया पर है, सानी ढाबा करके, वहाँ मैं 2 साल रहा। फिर उसके बाद 7-8 साल छोटे मोटे काम करे मैंने, सीजनल काम करे, लाइक पटाखे बेचे, रंग बेचे, पतंगे बेची, वीडियो गेम कॉमिक्स किराए पे दिए, दिल्ली से लाला के लेदर जैकेट्स बेची, कई छोटे मोटे काम करे। ऐसा करते करते डेस्टिनी मुझे इस लाइन में लेकर के आ गई, और इस लाइन में भी जो आई मैं आया था, शुरुआत हुई थी हमारे अर्षद भाई के थ्रू ही। अर्षद भाई आपका ध्यान रिंग में है, मैं आपको शुक्रिया अदा करने वाला हूँ। हुआ यूँ था, उस टाइम थोड़ा ठीक दिखता था मैं, तो लोगों ने मुझे बोला कि तेरे को मॉडलिंग करनी चाहिए। मुझे लगा शायद खिंचाई हो रही है मेरी। एनीवेज मैंने बोल दिया कोई मौका है तो बताइएगा इस तरह से। तो उस दौरान 98 की बात है, ये 12 जून 98, उस दिन ऑडिशंस थे राजा पार्क में, अर्षद भाई ने ऑडिशन कंडक्ट किए हुए थे, मैंने ऑडिशन में पार्टिसिपेट किया, सेलेक्ट हो गया, मॉडलिंग सी चालू हो गई, रैंप वॉक चालू हो गई। उस टाइम में क्या इतने अच्छे लोग होते नहीं थे इस फील्ड में, तो मैं अंधों में कर्ण राजा बना हुआ था। एक कॉम्पिटिशन हुआ, मैंने पार्टिसिपेट करा, आई वॉन द टाइटल मिस्टर जयपुर, उसके बाद मिस्टर राजस्थान बन गया मैं, और फिर किस्मत ने साथ दिया, मिस्टर राजस्थान के बाद मैंने टाइटल जीता मेल ऑफ द ईयर का। उसके बाद मैं अब मुद्दे पर आ रहा हूँ, इस फील्ड पे आ रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे लोगों ने बोला कि यार अब तो राजस्थान का टॉप मॉडल बन गया है, तो उसे दिल्ली जाना चाहिए, बॉम्बे जाना चाहिए बड़े लेवल की मॉडलिंग करने के लिए। तो उन दिनों मैं रिसेंटली एक मिरर लेके आया था, एक कांच था मेरे पास घर पे, तो कांच में डेली देखता था, और कांच को देख करके मुझे अपने बारे में किस तरह की गलतफहमी नहीं थी, मुझे बहुत ठीक से पता था कि मैं अगर इसके आगे जाता हूँ तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। तो मैं इमीडिएटली बैक स्टेज में आ गया, बैक स्टेज मीन्स आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स। तो वहाँ से ही चालू हुआ सिलसिला इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का, और कर रहा हूँ आज तक। लोग कहते हैं अच्छा काम कर लेता हूँ मैं। ये एक्चुअली क्या है कि आपका जो ये जितनी भी स्टोरी आपने बताई, ये जितने हमारे ऑडियंस यहाँ बैठे हैं, इसमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो यंगस्टर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, और एस्पिरेंट्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बट ये चीज़ें हमें अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने विजन को और क्लियर करने का मौका देती हैं कि अगर लाइफ हमारे साथ कुछ अनप्रिडिक्टेबल भी कर रही है, तो शायद हमें अपना फोकस नहीं छोड़ना चाहिए, जो शायद आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया। और आपने एक विजन लिया कि यार इस लेवल तक मैं इस चीज़ को मैनेज कर पाऊँगा, अगर इसके बाद इसको नहीं मैनेज कर पाऊँगा तो आई शुड चेंज माई बात। जैसे सर ने भी कहा कि रोड एंड होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका सफ़र ख़त्म हो गया, आपका सफ़र हमेशा चालू रहता है, सिर्फ आपके रूट साइनिज या डायरेक्शंस चेंज होते हैं। यहाँ से राहुल अगर हम आगे आएँ तो शायद पिछले कुछ सालों में आपने शायद आरटीओ डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा देने का काम शायद आप ही ने किया है एक पर्टिकुलर नंबर पे, और सब न्यूमेरिक हैं, आजकल वास्तु का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें वास्तु से चलती हैं, न्यूमेरिक चलती हैं। तो ये जो एक नंबर का आपका फोकस है, आई थिंक शायद आपके मोबाइल नंबर में भी एक है, आप गाड़ी का नंबर भी एक लेना प्रेफर करते हैं, शायद आपका हाउस नंबर भी या फ्लैट नंबर भी शायद मुझे लग रहा है कुछ उससे मिलता जुलता है, तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न है या ये पैशन है आपका या कुछ न्यूमरोलॉजी चलती है आपके साथ? देखिए रीज़न बहुत सिली साउंड करेगा आपको, एक्चुअली मैं किस फील्ड में, तो बता ही दिया सर ने आपको, आई एम इनटू इवेंट मैनेजमेंट। तो मैं सोचता हूँ कि मैं कभी इस फील्ड में नंबर वन पर आऊँ, तो इसका सफ़र बहुत लंबा है मैं जानता हूँ, काफ़ी मेहनत करनी है इसके लिए। तो तब तक मुझे जहाँ जहाँ वन दिखता है मैं उसे इकट्ठे कर लेता हूँ। एक तो ये मेरा मन बहलाते हैं, मुझे लगता है कि कुछ वन तो आ रहे हैं, शायद वो वन भी आ जाएगा एक दिन, और वन अट्रैक्ट तो करता ही है मुझे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये डेफिनेटली वन नंबर तो शायद हमें सबको अट्रैक्ट करता है, नंबर वन कौन नहीं बनना चाहता। सेल्स ओरिएंटेड मीट और एक R&R, तो हमेशा उसमें एक फोकस रहता है कि ये हमारा लक्ष्य है। सो लास्ट टाइम जो वो लक्ष्य था, तो इस बार उसका कन्वर्जन नंबर वन में हुआ, तो शायद पिछली बार जब हमें वो लक्ष्य क्रिएट करने के लिए जहाँ 7 दिन लगे, इस बार वो नंबर वन की कॉन्सेप्ट क्रिएट करने में क्लाइंट ने 1.5 महीना लगा दिया। तो अगर उस लेवल पे जाकर अगर हम नंबर वन की स्टोरी करते हैं, तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी नंबर वन, बिकॉज वो एक नंबर जब हम किसी भी कॉम्पिटिशन में जाएँ तो हमेशा लास्ट बेंचेस की कोई जगह नहीं होती,
अवार्ड्स के टाइम पे 1, 2, 3 तीन ही कैटेगरीज होती हैं और शायद कोई नहीं चाहता कि वो सेकंड या थर्ड कैटेगरी पे खड़ा हो. एवरीबडी वांट्स टू बी ऑन अ नंबर वन. सो ये पैशन इज गुड, रियली गुड, एंड एवरीबडी सबको ये पैशन एक्चुअली करना चाहिए क्योंकि लाइफ इज लाइक दैट. बट राहुल, टेक्निकली टॉकिंग अबाउट कि ये जो जो पर्टिकुलर, जैसे आपने एक इतना बड़ा एक्सपेंस इस पर्टिकुलर नंबर पे किया, तो डू यू थिंक इट इज़ रियली वर्थ के इसको फॉलो करना चाहिए? देखिए, इंडियन टेंडेंसी है अर्न मनी एंड सेव मनी. लोग पैसा इकट्ठा करते हैं फ्यूचर के लिए. और हिंदुस्तान में एक संत हुए हैं, संत शाहरुख खान, उन्होंने कहा था कल हो ना हो. तो मैं संतों की बातों को मानता हूँ और आज मैं जीता हूँ, आज के लिए जीता हूँ. तो मुझे लगता है जो मैंने करा वो अपने आज को अच्छा करने के लिए करा और मेरा आज मुझे मेरे इस चीज़ से खुशी दे रहा है. डेफिनेटली हमें वही करना चाहिए जो हमारे मन को खुशी दे. जी बिल्कुल. अच्छा, आपका जो ये पीरियड रहा है राइट फ्रॉम योर स्ट्रगल टू योर सक्सेस, जो आज का हमारा यूथ है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो इवेंट मैनेजमेंट को एज अ पैशन, एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहा है, आपको क्या डिफरेंस लगता है जो टाइम आपने एक टाइम पे इवेंट मैनेजमेंट को दिया और आज का जो टाइम है, इन टर्म्स ऑफ आपने कॉरपोरेट्स भी किए हैं, आप वेडिंग्स भी कर रहे हैं और अच्छे लेवल की बड़ी वेडिंग्स भी आप करते हैं, तो आप क्या मैसेज या कोई एक आप एक पर्टिकुलर ऐसा व्हाट शुड आई से इज पर्टिकुलर वर्ड, वो एक ऐसा होना चाहिए कि एक आप मैसेज सिंपल फॉर्म में कह लीजिए, कोई एक मैसेज आज के यूथ को आप क्या देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने काम को फोकस करें? देखिए, मैं अपने आप को अभी इस जगह महसूस नहीं करता हूँ कि मैं किसी को कोई मैसेज दे सकूँ. हाँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, हो सकता है वो कहीं किसी के काम आए. सर ने बात करी अभी कि जब मैं इस फील्ड में आया था तब और अब में क्या फ़र्क है. तब और अब में जो फ़र्क है वो एक प्लस पॉइंट भी है, एक माइनस पॉइंट भी है. हमारे टाइम में मार्केट नहीं था. जब मैं इस फील्ड में आया था मेरे से सीनियर 3-4 लोग हुआ करते थे, तो वो समय ऐसा था कि लोगों को बताना पड़ता था हम क्या करते हैं. तो वो एक माइनस पॉइंट था जो कि आज के आने वाले युवा के लिए प्लस पॉइंट है. उसे बताना नहीं पड़ता वो क्या करने वाला है. अब ये माइनस पॉइंट भी बन जाता है उसके लिए क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हो गया उसके सामने. तो लेकिन मार्केट भी बड़ा हो रहा है ऑफकोर्स. राहुल, आपके हिसाब से सक्सेस को पर्टिकुलरली हमारी इंडस्ट्री में इस सक्सेस को अचीव करने के लिए, जैसे आपने अपने इतने शॉर्ट से पीरियड में आप एक अच्छे बड़े इवेंट मैनेजर भी हैं, आपने अपने और कुछ बिजनेस वर्टिकल्स भी डेवलप किए हैं, जैसे आप आई थिंक शायद ऑडियो विजुअल्स में भी आप चले गए हैं पिछले कुछ सालों में, आपने अपने कुछ पर्सनल वेडिंग वेन्यूज़ भी आपने डेवलप किए हैं और भी आपने कुछ चीज़ें डेवलप की हैं. तो ये जो सक्सेस पाथ जो आपने अचीव किया है वो बेसिकली बहुत डिफ़िकल्ट है इतने शॉर्ट पीरियड में चीज़ों को अचीव करना. बट आइडियली मैं आपसे इनफैक्ट ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बोला कि आप अपने इसको व्हाट शुड आई शुड से इज कि जो आपकी न्यूमरोलॉजी कह लीजिए या आपने एक वर्ड यूज़ किया था, रियली सॉरी आई एम नॉट गेटिंग थ्रू दैट वर्ड एक्चुअली. तो इस सक्सेस को आप कैसे शेयर करना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के साथ कि वो ऐसा क्या फोकस करें जहाँ पे उनको कम से कम गलतियाँ अपनी इंडस्ट्री में करें ताकि एटलीस्ट उनको जो सक्सेस आगे मिलने वाली है या वो जो लेना चाहते हैं उस पे उनका पॉइंट फोकस रहे. देखिए, इसके लिए कोई भी झटपट से बन जाए वाले मैगी का फार्मूला नहीं है कि 2 मिनट में मैगी बन जाती है. बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं इंसान को आगे लेके जाने के लिए. अभी बात करी सर ने कि इवेंट मैनेजर्स कहाँ गलती कर रहे हैं, शायद ऐसा कुछ जाना चाह रहे हैं. चैलेंजेस जो बेसिकली हमारी इंडस्ट्री के हैं, चैलेंजेस जो है वो एक्चुअली पैदा ही हम लोग कर रहे हैं. जो मेरे साथी हैं, प्लीज़ इसको आप बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिए. मेरा कतई मकसद आपको इसे किसी को हर्ट करना, कंपेयर करना या नीचा दिखाना नहीं है. बहुत एक टेक्निकल सी चीज़ है जो अक्सर आप सबके सामने आती होगी. आप इस फील्ड से हैं तो 100% आया होगा ये सीन. और ये जो चीज़ है, ये चीज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है सबके लिए और लोग बना देते हैं इसको. जब एक शादी की मीटिंग करता है एक इवेंट मैनेजर, कई तरह के वादे हो जाते हैं, कई तरह की बातें हो जाती हैं, कई चीज़ें दिखाई जाती हैं
और जब एक पीरियड आता है एडवांस देने वाला, तो जैसे ही क्लाइंट एडवांस का अमाउंट सामने रखता है तो एक लाइन बोलता है वो इवेंट मैनेजर से कि सुशील जी आज के बाद अब सारी जिम्मेदारी आपके, मैं टेंशन फ्री हो रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, अब मेरी चिंता है सारी। तो गलती की शुरुआत यहाँ से हो जाती है, चैलेंजेस की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। मैं क्या करता हूँ, जब मेरा क्लाइंट मुझसे बोलता है कि राहुल जी अब मैं सारी चिंता आप पे छोड़ रहा हूँ, तो मैं इमीडिएटली उसको बोलता हूँ नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, आपकी बेटी की शादी है, आपको सारी चिंताएँ खुद ही करनी है, सारी जिम्मेदारियाँ आप ही की हैं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी है जो मैंने कागजों में लिख के दिया है। तो यहाँ पर एक इवेंट मैनेजर फंस जाता है यस करके, जो उसको बाद में फेस करना पड़ता है, उसका अमाउंट कटता है। वो कटता क्यों है कि दूल्हे की घोड़ी आ गई, उसके चने नहीं मंगाए तुमने, ये काम इवेंट मैनेजर थोड़ी करेगा, घोड़ी के चने लेकर के आएगा। तो ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है क्लाइंट, तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाती हैं। अच्छा भाई हंस रहे आप मेरी बात पे, थैंक यू सो मच। तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देते हैं हम लोग, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है जो बाद में फिर नुकसान करता है। तो हमारे भाई अक्सर लॉस में जाते हैं और ये बोलते हैं कि मेरा पैसा काट लिया क्लाइंट ने, और क्लाइंट क्यों काटता है, क्लाइंट कहता है काम पूरा नहीं करा। काम कौन सा पूरा नहीं करा, जो कि बोला ही नहीं गया था, सिर्फ एज्यूम किया गया था, एक्सपेक्ट किया गया था। तो आप कन्फर्मेशन के टाइम पर चीज़ें क्लियर करो। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ मेरे क्लाइंट को कि नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी आपको चिंता से फ्री नहीं होना है, जो इन कागजों में लिखा है उसके बारे में आप चिंता से फ्री हो जाइए। कुछ और आप मुझे लिख के भेज देते हो, टेक्स्ट कर देते हो, व्हाट्सएप कर देते हो, मेल कर देते हो, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है, इसके अलावा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो ऐसे कौन से आस्पेक्ट्स आपको लगते हैं कि इवेंट मैनेजर को फोकस करने चाहिए जब वो अपने क्लाइंट से मीटिंग कर रहा होता है? पहला आस्पेक्ट तो मैंने जैसा ही बताया कि आप वही कमिट करो जो हो सकता है। एक्चुअली हमारी लाइन में क्या, सपने बिकते हैं। सपने अगर आपको दिखाने आते हैं और आपको बेचना आता है तो आप बड़ा बन सकते हो इस फील्ड में, बशर्ते उसको एग्जीक्यूट करना भी आता हो। लोग अक्सर ही तीसरे स्टेप तक नहीं पहुंच पाते, सपना दिखा देते हैं, बेच देते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो आप वो बेचिए जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से ही आपको आगे लेके जाता है। हाँ, कई बार ऐसा कमिटमेंट होता है कि हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होगी, तो पता लगता है कि वो के टॉय से हेलीकॉप्टर आ गया और पैसे बड़े वाले हेलीकॉप्टर के ले लिए। ऐसी कंडीशंस भी एक्चुअली होती है। तो आप के कहने के अनुसार हमारे इवेंट मैनेजर को टेक्निकली साउंड होना चाहिए, ऑफ कोर्स उसके प्रेजेंटेशन में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं। तीसरी चीज़, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही इसी इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आई एम रियली सॉरी अगर मैं कहीं किसी को पिन पॉइंट कर रहा हूँ, पर्टिकुलर नहीं हो रहा किसी के नाम के बारे में, लेकिन हमारे साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमें सिर्फ बिजनेस चाहिए। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन बिजनेस, कि हमें सिर्फ सिर्फ बिजनेस चाहिए। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में हर आदमी को बिजनेस चाहिए, लेकिन कुछ सर्टन आस्पेक्ट्स ऐसी हैं, कुछ बेंचमार्क्स ऐसे हैं जो हमें बनाने पड़ते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए। जब आप एक क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो आपके पास एक नहीं, कम से कम 25 से 30 हेड्स ऐसे होते हैं जो आपको ब्रीफ करने पड़ते हैं। अभी जैसे आपने बोला कि क्लाइंट ने बोला कि भाई अब सारी जिम्मेवारी जो है वो आपकी है और मैं तो बिल्कुल फ्री हो गया, और ये हमारी पंचलाइन हो चुकी है कि सर आप तो जो है गेस्ट की तरह आइए, इंजॉय कीजिए और वापस चले जाइए, और वो गेस्ट भारी पड़ जाता है, और वो गेस्ट बाद में भारी पड़ता है, और बाद में फिर सवाल ये होता है कि साहब आपने दिखाया क्या था और आपने दिया क्या। तो टेक्निकली जहाँ तक मैं समझता हूँ इस चीज़ को, कि हमें एज एन इवेंट मैनेजर जब हम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, यूजुअली जो हमने एक फॉर्मेट डिज़ाइन कर रखा है कि हम एक प्रॉपर पीपीटी डिज़ाइन करते हैं, वो पीपीटी की एक हार्ड कॉपी होती है, उस हार्ड कॉपी की कॉपी हम क्लाइंट से शेयर करते हैं, साथ में एक एक्सेल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिकॉज हमारे वेडिंग बिजनेस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन बहुत वीक है। ये एक बहुत बड़ा, इसको आप प्लस पॉइंट भी कह लीजिए और माइनस पॉइंट भी कह लीजिए, बिकॉज टेक्निकली नंबर्स को और फिगर्स को हम डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं किन्हीं रीजंस की वजह से, चाहे वो आप गवर्नमेंट पॉलिसीज कह लीजिए या किसी भी कारण से कह लीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब हमें फोकस करनी चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन में, कि वी शुड बी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टू आवर क्लाइंट कि बॉस हम कहते हैं पिन टू प्लेन सर्विसेज हम देते हैं, तो वो क्लाइंट वो पिन से लेके प्लेन तक समझ लेता है। जैसे आपने कहा घोड़ी के चने नहीं आए तो भैया पैसे तुम्हारे कटेंगे, और अगर गलती से वो दूल्हा राइट के बजाय लेफ्ट साइड से बैठ गया तो उस पर भी सवाल हो जाता है कई बार। तो
ये मैसेज राहुल की तरफ से और हम सबकी तरफ से एक दूसरे के लिए यही है कि जब हम क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर प्रेजेंटेशन दें कि ये मेरी पेरिफरी के पॉइंट्स हैं जिनको मुझे एग्जीक्यूट करना है, और ये आपकी पेरिफरी के पॉइंट्स हैं जिनको आपको हमें सपोर्ट करना है। इससे जो ये हमारी जो ये जो प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी हद तक शायद सॉल्व हो जाएंगे, और ये जो हमारा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कुछ लेवल तक मैनेज भी हो जाएगा। चैलेंजेस हमने डिस्कस कर लिए आइडियली। राहुल, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा इस चीज़ को लेके कि इवेंट मैनेजर्स हम सब हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती है, एक अलग पहचान देती है एज एन इवेंट मैनेजर? क्या ये बात मेरी पहचान की हो रही है? एग्जैक्टली, मैं इसको जनरल एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ। देखिए, इसे अतिशयोक्ति कहा जाएगा, बड़बोलापन कहा जाएगा अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो, पर चूंकि आपने सवाल किया तो आंसर करना है मुझे। मैं लोगों से अलग बहुत चीज़ों में हूँ, जैसे कि एक अजीब सी बात है, हिंदुस्तान में ऐसी कोई इवेंट कंपनी नहीं है जो विदाउट एडवांस काम करती हो। इंडिया में हर इवेंट कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ आता है अब इतना पैसा अब लेंगे, इतना अब लेंगे, इतना अब लेंगे, और बाकी का इवेंट से चार दिन पहले लेंगे। पता नहीं उन्हें अपने काम पे डाउट होता है या क्या वजह होती है, वो क्यों पूरा पैसा पहले लेने की कोशिश करते हैं। मैं इकलौता ऐसा इंसान हूँ हिंदुस्तान में, कितना भी बड़ा इवेंट आता है, मैंने काफ़ी बड़े इवेंट भी करे हैं, कोई भी नया आदमी आता है, चाहे वो NRI है, चाहे वो इंडिया किसी भी कोने से है, मैं उससे यही डील करता हूँ कि मैं आपसे 100% पैसे काम होने के बाद लूँगा। That's an outstanding statement. और यहाँ on a public platform. और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। इसके अलावा मैं क्लाइंट को ये बोलता हूँ कि हमारे यहाँ से कभी भी पैसे मांगने के लिए फ़ोन नहीं आता है। आप कॉल करेंगे बिल लेकर के आओ तो हम बिल लेकर के आएंगे। That's a great point. बात अभी भी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद मैं क्लाइंट को ये भी कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कहीं पर भी जो बताया गया था वैसा नहीं हुआ, जो दिखाया गया था वैसा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कहीं भी आपको कुछ कमी दिखती है, तो आप बिल्कुल कॉल मत कीजिए पैसे लेने के लिए हमको। तो दैट मीन्स के हम एज एन इवेंट मैनेजर जब एडवांसेस की बात करते हैं या पेमेंट्स की बात करते हैं तो हमें उसको आपका जो प्रोसेस है, जो आपका तरीका है काम करने का, वो शायद हर इंसान का या हर इवेंट मैनेजर का नहीं होता। और क्लाइंट भी, जैसे हम कहते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे क्लाइंट भी पांचों उंगलियों में बराबर नहीं होता। आप इसको जज कैसे करते हैं कि ये क्लाइंट आपके साथ लॉयल रहने वाला है? देखिए, मैं जज करता हूँ मेरे टैलेंट को। मुझे पता है मैं अच्छा काम करूँगा, और अच्छे काम का फल तो मिलता ही मिलता है सर। बचपन सुनते आ रहे हैं, मैंने देखा भी है मेरी लाइफ में, मुझे अब तक ऐसे बुरे लोग नहीं मिले। शायद मैं किस्मत वाला हूँ या तो ऐसा हुआ होगा मेरे साथ। काम अच्छा होता है, एंड ऑफ द डे थैंक यू मिलता है, मिठाई का डब्बा मिलता है, पूरे पूरे पैसे मिलते हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा अलग करती है लोगों से। एक चीज़ और जो मुझे अलग करती है, जिसकी वजह से थोड़ी गुडविल भी है मेरी, जिस दिन से मैं इस फील्ड में आया हूँ, हालांकि जिस दिन ये शुरू हुआ था वो किसी मजबूरी से हुआ था, मैं बताऊँगा अगर दोबारा मौका दिया बोलने का उन्होंने तो, लेकिन मैं जिस दिन से इस फील्ड में हूँ उस दिन से एक चीज़ को फॉलो करता आ रहा हूँ, और वो चीज़ ये है कि मैं अपने वेंडर को जिस दिन काम लिखवाता हूँ, जिस दिन डिस्क्रिप्शन देता हूँ, जिस दिन डिटेल देता हूँ, मैं 100% पैसे उसको तब पे करता हूँ। That's a very good. Again, I am 100% sure इंडिया में ऐसा कोई इवेंट मैनेजर नहीं है जो 100% पैसे पहले देता हो। Definitely, ये credibility हमने, everybody has heard about this. ये credibility आपकी हमने हमेशा सुनी है। कभी किसी को मेरा पार्ट पेमेंट नहीं किया मैंने, कभी किसी को इवेंट के दिन, इवेंट के बाद पैसे नहीं दिए। आज तक कभी ऐसी कोई कॉल नहीं आई कि भैया एक बार बैठ जाते, बिल ले लेते। 100% पैसे पहले देता हूँ मैं। तो ये चीज़ें अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके काम में अतिशयोक्ति वाली गुंजाइश रह नहीं जाती है, क्योंकि वेंडर अल्टीमेटली हम सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर हमें पैसा ही एडवांस मिल जाएगा तो फिर हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और अगर कोई शख्स आपके साथ इतने सालों से जुड़ा हुआ है और आप उसको आपका ये, मैं पर्टिकुलरली आपके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर इसको बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी स्ट्रेंथ, आइडियली एज एन इवेंट मैनेजर हमारी स्ट्रेंथ हमारा वेंडर होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। नो डाउट, अगर हमारी स्ट्रेंथ हमारा वेंडर है और हमारा वेंडर हम प्रॉपरली उसको प्रॉपर मैनेज करके चल रहे हैं, तो शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारा वेंडर हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। हमारे साथ प्रॉब्लम तभी होती है जब हम क्लियर नहीं होते हैं अपनी टर्म्स में, अपने पेमेंट्स में और अपने प्रोसेस में, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे वेंडर हो।
तो अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली शायद वेंडर की भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और वो हमेशा आपको 100% से ऊपर डिलीवर करने की कोशिश करता है। बिल्कुल, हमेशा ही ऐसा होता है। शिकायतें कहाँ आती हैं? जब इंसान थोपता है चीज़ें दूसरों पर। ज़िंदगी में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण। लोग नहीं कर पाते, लोग सोचते हैं कि ये हुआ तो ये इसकी वजह से हुआ। मेरे में भगवान ने ये प्लस पॉइंट दिया है, बड़ी ईश्वरी कृपा है मेरे ऊपर। मैं हर दिन हर पल सेल्फ एनालिसिस करता हूँ, मेरा इवेंट बहुत अच्छा हो जाता है। शाम को घर जाने से पहले मैं एक बार पूरा राउंड लेता हूँ और मैं खुद में सोचता हूँ कि मैंने क्या है, कम किया। लोग तारीफ़ कर रहे हैं लेकिन कई बार मैं खुश नहीं होता हूँ, तो मुझे इस बात का एहसास होता है मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे कहाँ ठीक करना है। Definitely, तो वो आगे के लिए आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा ईज आउट करता है। सेल्फ एनालिसिस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, ऐसा मेरा सोचना है। हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको पॉजिटिव करती है, ये चीज़ आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती है, ये चीज़ आपको आगे लेके जाती है, ये चीज़ आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। नहीं, डेफिनेटली अगर सेल्फ एनालिसिस, ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, सेल्फ एनालिसिस अगर हम एक जनरल प्रोसेस पे भी करते हैं तो शायद हमेशा जिसने अपने आप को सेल्फ एनालिस किया है वो आदमी हमेशा तरक्की के रास्ते पे चलता है। ये आई थिंक हम सब मानेंगे। और जो हमारे ऐसे पार्टनर्स हैं, हमारे ऐसे मेंबर्स हैं, हमारे ऐसे एसोसिएट्स हैं जो इस इंडस्ट्री में अभी नए नए आए हैं और जो इसको एज अ फ्यूचर इसको देख रहे हैं, उनको डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही फ्लॉ है, एक ही कमी है हमारी इंडस्ट्री में, वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी की कमी है। चाहे वो आप किसी भी एस्पेक्ट पे देख लीजिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे पास इवेंट मैनेजर्स के साथ तभी आती हैं जब ये आता है इशू कि साहब क्लाइंट ने पैसा काट लिया या किसी भी रीज़न से। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जिसकी बेटे के या बेटी की शादी है वो आपसे हमेशा ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप अगर उसको 100% डिलीवर कर दे रहे हैं और जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसको अगर आप अच्छे से पूरा करके दे रहे हैं तो शायद मेरी उम्मीद में वो पैसा किसी कंडीशन में नहीं काटता, और वो शायद आपको आगे फ्यूचर के लिए चार लोगों को सजेस्ट और करता है कि नहीं यार, ये काम मेरा जो है वो इतना आउटस्टैंडिंग हुआ है कि शायद आप अगली बार डेफिनेटली आप ऑप्शन लेने से पहले इसको ट्राई कीजिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पैसा काटना कभी भी कोई भी नहीं चाहता। जो इंसान बच्ची की शादी कर रहा है तो वो कतई ऐसा काम नहीं करेगा कि उसको किसी की बद्दुआ लगे, एक्चुअली कोई उसके लिए बुरा बोले। पैसा काटता है फ्रस्ट्रेशन में, और फ्रस्ट्रेशन होती है कहीं ना कहीं कमी से, तो काम में कमी नहीं आती है। तो डेफिनेटली, तो ये हमें सबको शायद फॉलो करना चाहिए। और एक्चुअली लोग अभी जो इस फील्ड में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं उनमें से बहुत कम लोग हैं जो पैशन की वजह से आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं पैसे की वजह से, लोगों को दिख रहा है बहुत पैसा है इस लाइन में। बहुत सही कह रहे हैं। एक दौर चलता है, कुछ साल पहले एक दौर चला था, किससे पूछो क्या करते हो तो हर बेरोजगार बोलता था मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। एक दौर आया ऐसा, किसी भी बेरोजगार से पूछो क्या करते हो, मैं एक्सपोर्टर हूँ, घर में दो मशीन लगा रखी है, फैब्रिकेशन हो रहा है, एक्सपोर्टर बन गया था वो। फिर एक दौर आया, किसी बेरोजगार से पूछो क्या करते हो, मैं इवेंट मैनेजर हूँ। तो इस दौर की वजह से अगर लोग इस लाइन में आ रहे हैं तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। सर, आप पहले ये तय करो कि क्या आप इस लाइन में फिट होते हो, फिर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, फिर इससे आप प्यार करो और फिर इसे एग्जीक्यूट करो, और फिर ये आपको बनाएगी। अपने काम से प्यार करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट तो आएगा ही। बिल्कुल तय बात है, 100% इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और अपने काम से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, एक झील होनी चाहिए। मैंने बिना वजह एक बात और छेड़ दी बीच में, दो तीन बार लोगों ने ताली बजाई तो मुझे लगता है एक बार और बजवानी चाहिए। अभी नहीं, मैंने बात तो बोली नहीं अभी। आपने पहले ही बजा दी, चलिए एडवांस मिल गया आज। वैसे लेता नहीं हूँ मैं एडवांस। <That's good. laughs> अभी सर ने जिक्र करा मेरे 15 महीने का बेड रेस्ट का, एक्चुअली 16 महीने का बेड रेस्ट था। 16 महीने मैं कंटिन्यूसली ज़मीन पे लेटा रहा, मेरी बैक में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए थे, सीजर का अटैक आया था, मैं शावर भी नहीं लिया, मेरा शूशू बोटी भी ज़मीन पर होता था, घर पड़े पड़े मेरा 120 किलो वेट हो गया था, बहुत मोटा हो गया था मैं। अभी आप लोग चाहोगे तो फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ तो एलईडी बॉल नहीं तो दिखाता मैं। तो चलता फिरता आदमी घर पड़ जाए, कमरे में कैद हो जाए तो डिप्रेशन हो जाता है, तो डिप्रेशन की पिल्स चलने लग गई मेरी बहुत हैवी, स्लीपिंग पिल्स चलने लग गई। अब पूरे दिन खाओ सो तो कब तक सोएगा इंसान। पिल्स मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अगर आप लोग टेक्निकली जानते हो तो स्टेसनिल, डेप्सोनिल, ट्रिप्टोमर, नाइट रेस्ट, ये चार पिल्स मैं लिया करता था डेली, तीन यानी कि 12। तो जब मैं रिकवर हुआ, मेरा चलना फिरना चालू हुआ, तो मेरे आगे चैलेंज था कि मैं कैसे इन पिल्स से बाहर आऊँ। कई डॉक्टर्स को दिखाया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया,
वो बोले कि जिस स्टेज पर तू आ गया है, जितनी पिल्स तू अभी ले रहा है, इनको विड्रॉल करना पॉसिबल नहीं है। हम सॉल्ट चेंज करते रहेंगे, शिफ्ट करते रहेंगे देखो मेडिसिन पे, लेकिन अभी पीछे नहीं आ सकता। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपिंग पिल्स ये बस शुरू होती है, रुकती नहीं है। और मेरी डोजेज बहुत हाई थी, डोजेज मेरी इतनी हाई थी कि मैं वो खाने के बाद भी सो नहीं पाता था। और मैं मेरे केमिस्ट को फ़ोन करता था कि भैया दवाई नकली भेजते हो आप, तो वो कहता था कि किसी को दे मत देना, नहीं तो 302 लग जाएगी आपको। तो इतनी हैवी थी। एनीवेज, एक मेरे अधिकारी है, पुलिस अधिकारी मेरे मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं, तो वो मुझे ले गए डॉक्टर के पास कि तेरा इलाज मैं कराता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, हाँ बेटा नाम बताओ, राहुल तनेजा, एज बताओ, 36 तब थी, अब 37 हो गई है। तो हाँ बेटा पता है क्या तकलीफ है? तो मैंने बताई, मैंने कहा सर ये 4 पिल्स मैं ले रहा हूँ और इनको बंद करना चाहता हूँ। उन्होंने लिटरली प्रिस्क्रिप्शन को फोल्ड कर दिया, बोले यार ये तो सुसाइड केस है। उस अधिकारी को बोले कि यार सुरेंद्र इसका इलाज नहीं कर सकता मैं, इसको तू ले जा वापस, ये मरेगा लड़का, जितनी पिल्स ले रहा है। तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं ये कैसे पॉसिबल है कि मैं किसी पर आश्रित हो रहा हूँ। तो फाइटर मैं हूँ हमेशा से, ऐसा मुझे लगता है। मैंने उस दिन डिसाइड करा कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा। उस पीरियड में मेरा बीपी की प्रॉब्लम थी, 180 था मेरा, हाई कोलेस्ट्रॉल, L4 L5 में कंप्रेशन था, स्लिप डिस्क, कई तकलीफें थी। मैंने 12 पिल्स को इमीडिएटली 11 पिल्स में कन्वर्ट करा और हर हफ्ते में एक पिल कम करता गया। और 3 महीने बाद में उसको एक पिल पे ले आया। आज मैं एक पिल लेता हूँ, 3 महीने हो गए मुझे। That is amazing. I mean, 5 महीने This is called the mental strength. और 5 महीने में मैंने 48 किलो वेट कम किया। लोगों को यकीन नहीं होता, लेकिन आईफोन में डेट आती है पिक्चर क्लिक करने की, तो आई कैन शो द डेट जब मेरी पिक्चर क्लिक हुई थी लास्ट। 48 kg रिड्यूस किया मैंने 5 महीने में। तो परिस्थिति से मेरा सोचना ये है कि हारना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। ईश्वर ने जितना आपको सामर्थ्य दिया है उसको लगा देना चाहिए। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और तब तक जुटे रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो बस यही करता आया हूँ मैं। राहुल, आपने अभी सबसे शेयर किया था कि आपका एकेडमिक करियर जो है वो बहुत छोटा रहा है, लेकिन आई थिंक जो चीज़ें आपने शेयर की हैं इसके लिए एकेडमिक्स कोई मायने नहीं रखती हैं। वी शुड गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द काइंड ऑफ स्टेट ही हैज एक्चुअली कम आउट। अगर हम इवेंट मैनेजर्स की बात करें ना, तो राहुल अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम की वजह से इस फेज से गुजरे, लेकिन हमारी इंडस्ट्री की जो एक्चुअली हालत है, हमारी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये पैल्पिटेशंस जो हैं वो हमारे काम का हिस्सा बन चुके हैं, बिकॉज हमारे क्लाइंट की इतनी हाई एंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हम सिर्फ और सिर्फ उसको डिलीवर करने के लिए इस लेवल पर अपने आप को प्रेशराइज कर देते हैं कि शायद हमें लगता है कि ये कैसे मैनेज होगा। बट फॉर्चुनेटली ईश्वर ने हमारा प्रोफेशन ऐसा बनाया है कि एंड ऑफ द डे हमें रिजल्ट्स चाहिए और हमारा जो फोकस है वो फोकस हमेशा हमें अच्छे रिजल्ट्स लाकर देता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब भी आपने कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया होगा, जब आपने उसको शुरू किया होगा, तो आप एक बहुत बड़े स्ट्रेस लेवल पर होते हो, लेकिन जब आप उसको फाइनली एग्जीक्यूट कर लेते हो तो आई थिंक वो आपका जो वो स्ट्रेस लेवल है, जो आपका एंग्जाइटी लेवल है, वो शायद आपके एक अचीवमेंट में बदल जाता है और आपको अगली बार के लिए इंस्पायर करता है कि नहीं यार, दिस टाइम इफ आई हैव डन 50%, मैं अगली बार इसको 100% करने की कोशिश करूंगा। सो दैट इज एक्चुअली द स्ट्रेंथ ऑफ एन इवेंट मैनेजर, जो शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं। और जो करता है फिर वो यहाँ तक पहुँचता है। जो करता है वो यहाँ तक पहुँचता है एक्चुअली। सो राहुल, आई थिंक काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया। लास्ट लीस्ट बट नॉट द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स अबाउट? क्योंकि इस फेज से निकलने के बाद डेफिनेटली आपने बहुत सारी चीज़ें मिस की होंगी, लूज की होंगी। फ्यूचर प्लान तो अभी यही कि सर ने बताया मैंने 16 लाख रुपये खर्च करे हैं कार के नंबर के लिए, तो जिन जिन लोगों से उधार लेके पैसा खर्च किया है वो चुकाने का प्लान है। एक्चुअली मजाक कर रहा हूँ, मैं उधार नहीं लेता। आई नो दैट, जब आप मैंने जब आप वेंडर्स को पैसा एडवांस में देते हैं तो शायद वो तो पहले ही चला गया होगा, गाड़ी खरीदने से पहले ही चला गया होगा। एक्चुअली मैं आज में जीता हूँ, कल किसने देखा। तो डेफिनेटली ये जिंदगी जिस तरह से सामने आती है मैं उस तरह से पेश होता हूँ, जिस तरह से चीज जाती है बहता जाता हूँ मैं, बस थोड़ा सा तैर लेता हूँ ठीक से। नो दैट्स वेरी गुड ऑफ इट। और मैं तो अपने सारे इवेंट मैनेजर्स, अपने फ्रेंड्स, फ्रेटर्निटी फ्रेंड्स को हमेशा से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं और हम एक्चुअली दुनिया को वो चीज़, वो सपने दिखाते हैं जो शायद वो दे शुड, वो अपने ड्रीम्स में भी शायद उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया होता। और हम सिर्फ दिखाते नहीं हैं, हम उसको क्रिएट करके डिलीवर भी करते हैं, शायद इसी चीज़ के हमें वो पैसे देता है। बिल्कुल।
सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. और आई थिंक एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हम सब के लिए कि ऑड और ऑकवर्ड सिचुएशंस में आपको कैसे फाइट करके और बाहर आना होता है और कैसे अपने आप को वापस स्टैंड करना होता है. और आप अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को स्ट्रगल ना समझ के अपनी स्ट्रेंथ समझेंगे तो शायद हम वहाँ पहुँच पाएंगे जो जहाँ शायद और लोग उम्मीद भी नहीं करते हैं. So I think let's end this session and I would request Aastha to thank you so much, sir. I'm really sorry. Anybody from the house? पीछे एक माइक दीजिएगा प्लीज. जिन जिनको मैंने पैसे दिए थे ताली बजाने के वो तो कुछ पूछ सकते हैं. 12,000 लोग लाया था मैं ताली बजाने के लिए. अगली बार पैसे आधे ही मिलेंगे. तनेजा जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वापस स्वस्थ हुए. सर मैं वापस चाहूँगा, मैं देख क्यों नहीं पा रहा. हाँ सर राइट. तनेजा जी जैसे इंडस्ट्री की बात करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि ऑयल एंड गैस की कोई कंपनी की बात आती है तो रिलायंस की बात आती है, कम्युनिकेशन की बात आती है तो एयरटेल का नाम सामने आता है प्रमुखता से, दूसरे भी अदर अदर सेक्टर्स हैं जो प्रमुखता से नाम आता है. आज ये इवेंट मैनेजमेंट जो बिजनेस है किस स्टेज पे है, क्या ये कभी एक कैपिटल मार्केट में कभी एक स्थान बना पाएगा, एक इंडस्ट्री का स्थान बना पाएगा, क्या इसे भी बैंक से लोन मिल पाते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा. स्थान बना चुका है ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है. किसी भी इंडस्ट्री में 12-13% का इजाफा होता है तो बहुत अच्छा मानते हैं. गैलेक्सो ने लास्ट ईयर 19% का इजाफा किया था तो बड़ा तारीफों में आया था. हमारी इंडस्ट्री ने 258% की ग्रोथ की है पिछले एक साल में. आई गेस काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, ये इंडस्ट्री बन चुकी है. सर सर अभी तक कोई ऐसा लैंडमार्क कंपनी नहीं है, जैसे रिलायंस के एक लैंडमार्क कंपनी होती है, एक नाम सामने आता है कि इवेंट मैनेजमेंट कोई नाम आ रहा है तो एक उसका ब्रांड बनता है, तो अभी तक ऐसी कोई कंपनी हिंदुस्तान में सामने नहीं आती. सर ऐसा है कि मैं आपको थोड़ा सा इस पर आपकी रोशनी डालना चाहूँगा. जब हम इवेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इवेंट इंडस्ट्री बेसिकली एक सर्विस इंडस्ट्री है. जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो अलग होता है और सर्विस इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो अलग होता है. डेफिनेटली एज रीजनल बॉडी जितने हम लोग काम कर रहे हैं, ये सबमिशन हमने शायद द नेशनल लेवल पर पुटअप भी किया है कि हमारी जो वाइट पेपर जो हमारा है उसमें हमारे फिगर्स काफ़ी बड़े हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए रिक्वेस्ट भी हम लोगों ने भेजी हुई है कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का प्रोसेस है इंडिया में. और अगर आप वेडिंग्स की स्पेसिफिकली बात करें तो वो वाइट पेपर्स पे जनरली नहीं आते बिकॉज वो फिगर्स डिस्क्लोज नहीं होते. लेकिन हाँ, अगर इसको बहुत अच्छे से मॉनिटर किया जाए तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है. बिकॉज इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप एक इवेंट की बात करते हैं तो जनरली एक इवेंट पे एक साइट पे आपको कम से कम 50 से 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. और अगर हम बड़े इवेंट की बात करें तो शायद उसका नंबर जो है उससे 3 गुना बढ़ जाता है. तो डेफिनेटली ये प्रोसेस गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट में है. अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट उसको किस लेवल पर हमें फेलिसिटेट करती है और हेल्प करती है इस चीज़ के लिए. सर फाइनेंसिंग की क्या है सर, अभी फाइनेंस कैसे, अगर एक इवेंट कैपिटल इंटेंसिव है इंडस्ट्री, आपकी फाइनेंस कैसे मिलता है सर? फाइनेंस किस काम के लिए चाहिए आपको सर? कार लेनी है? एम्प्लॉय आप रखते हैं, एक थोड़ा सा एक बड़े होटल में आप काम करते हैं, एम्प्लॉयज के लिए फाइनेंस चाहिए आपको? गलत ट्रैक पे हो आप. नहीं, आई विल गिव यू अ मोर ब्रीफ. मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ. आप जो चीज़ शायद पूछना चाह रहे हैं कि जब आप इवेंट करने जाते हैं तो आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होता है, यही सवाल है आपका? जी 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 सर. देखिए मैं आपको दो चीज़ें ब्रीफ करता हूँ. यहाँ पे दो सेक्शंस ऑफ इंडस्ट्री हैं, एक है कॉर्पोरेट और एक है वेडिंग्स. जब आप कॉर्पोरेट्स करते हैं तो कॉर्पोरेट का एक प्रोसेस होता है कि आप कहीं पे भी काम करने जाएंगे, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाएंगे, वहाँ पर एक टैक्स, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है. उसके मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ. उसमें दो कंडीशन होती हैं, आप एडवांस पे भी काम करते हैं और आप क्रेडिट पे भी काम करते हैं. तो वो प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है. जहाँ आप रजिस्टर्ड हैं वहाँ आप काम कर रहे हैं. और जहाँ तक वेडिंग का सवाल है तो राहुल भाई ने जैसे आपको बताया कि ये तो शादी के बाद ही पैसा लेते हैं, लोग शादी से पहले 100% ले लेते हैं, तो वहाँ फाइनेंस की जरूरत नहीं होती. थैंक यू सर. हाँ ये बात उस टाइम मैंने बोली थी कि अगर मुझे और देर मार्क दिया गया तो बताऊँगा मैं इसकी वजह. ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, जाना चाहेंगे आप लोग? पक्का ना? एक्चुअली हम आपको बोर नहीं कर रहे हैं शायद. विल रैप अप द सेशन सून. एक्चुअली
जब मैं मॉडलिंग कर रहा था और मुझे एहसास हुआ कि मुझे बैक स्टेज आ जाना चाहिए, तो मैंने एक फैशन शो प्लान करा परिधान नाम से। उस दौर में फैशन शो का काफ़ी क्रेज था लोगों में। शो प्लान कर लिया, मेरे साथ के लोग थे, उन्होंने हाँ करी, हम फ्री में आएंगे, पैसा नहीं लेंगे। स्पॉन्सर्स जो मेरे सीनियर इवेंट मैनेजर्स के थे, उनसे मैंने पिचिंग करी, उन्होंने मुझे हाँ करा। शो के लिए मैंने रविंद्र मंच को बुक कराया, रविंद्र मंच में प्रैक्टिस चालू हो गई। शो से 3 दिन पहले स्पॉन्सर्स ने हाथ पीछे खींच लिए, एक एक करके सबके फ़ोन आते चले गए और सबको मेरे एक सीनियर इवेंट मैनेजर ने ये बताया कि ये तो कल का लड़का है, स्टेज पे चलना अलग होता है और स्टेज को मैनेज करना अलग होता है, तो ये लड़का इवेंट नहीं कर पाएगा, ये शो फ्लॉप होगा और आपका ब्रांड ख़राब हो जाएगा। तो लोगों ने इस डर से हाथ पीछे खींच लिए। मैं बिल्कुल नया था उस टाइम, मेरा वो शो ज़िंदगी का पहला और आखिरी ऐसा शो था जो कैंसिल हुआ। उसके बाद मैंने 4 महीने पैसे इकट्ठे करे। उस टाइम उस शो की कॉस्ट थी मेरे ख्याल से 52,000, 99 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने 52,000 की जो कॉस्ट थी, मैंने वो पैसे इकट्ठे करे। पहले मैंने एक अकाउंट खुलवाया बैंक में, मैं फिर दोबारा उन्हीं स्पॉन्सर्स के पास गया और उनको मैंने एक एक चेक दिए सबको। मैं कहा मैं अभी आपसे स्पॉन्सरशिप लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके पास में सिर्फ कन्फर्मेशन लेने आया हूँ कि आप मुझे यस कीजिए, आप मुझे 3100 देंगे, 5100 देंगे, 11000 देंगे, मुझे सिर्फ आपकी हाँ चाहिए। अब सवाल पहले वाला पैदा होता है कि मैं ये काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो ये तय है कि आप मुझे पैसे मत दीजिएगा। अब बात आती है आपका ब्रांड ख़राब होने की, तो उस केस में जो चेक मैं आपको दे रहा हूँ इसको लगा के आप मुझे जेल करा दीजिएगा। तो मैंने उन लोगों को अपने चेक दिए कि अगर मेरा शो फ्लॉप हो जाता है तो ये चेक आप लगाइए और जितने रुपए आपके लगने की आपको उम्मीद है उससे दुगने भरिए, चेक बाउंस होता है तो उसको आप मुझ पर केस कीजिए और मेरे को जेल कराइए। तो वहाँ दौर चालू हुआ था एडवांस देने का, और जब मैंने एडवांस लोगों को दिया उस दौर पे, मजबूरी थी उस दिन तो मेरी, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं था इस फील्ड में, तो चला आया सिलसिला आज तक ये। जैसा कि मैंने बताया कि कोई मेरे सीनियर इवेंट मैनेजर थे जिन्होंने ऐसा किया, तो ऐसा नहीं है कि सीनियर्स हमेशा ख़राब ही होते हैं, अच्छे सीनियर्स भी होते हैं। अब मुझे शुक्रिया अदा करना है अरशद भाई का। अरशद भाई आप देखते ही नहीं मेरी तरफ। इनका शुक्रिया अदा तो काफ़ी सारे लोग करते हैं, बस वो फॉर्मली बोलने का मौका मिलता नहीं है। नहीं देखिए, एक्चुअली शुरुआत में ऐसा होता है जब आप स्टेज पर आते हो तो थैंक यू बोलते हो जिसने बुलाया आपको। तो अरशद भाई को थैंक यू कई बातों के लिए बोलना है मेरे को। एक तो उन्होंने आज मुझे बुलाया, इस लायक समझा मुझे, और अरशद भाई का साथ बहुत पुराना है, मुझे आज भी याद आता है। मैंने बोला कि मैंने कभी उधार नहीं लिया था किसी से, एक बार उधार हुआ था मेरा 1200 रुपये अरशद भाई के पास। अरशद भाई ध्यान है आपको? नहीं है याद। आपने एक कॉन्टेस्ट कराया था, उसकी फीस थी 1200 रुपये, और मैं आपके ऑफिस आया था स्कूटर में। उस टाइम मैं एक लोअर में रहा करता था, लोअर में तब जेब नहीं होती थी, आजकल तो जेब आती है नाइकी के लोअर में। तो लोअर टी शर्ट और चप्पल, ये ड्रेस मैंने 3 साल कंटिन्यू करी है। तो मेरा जो वॉलेट था, छोटा सा पर्स था, वो मेरी डिक्की में होता था स्कूटर की, और अरशद भाई के ऑफिस के बाहर से स्कूटर में उसकी डिक्की में से वो पर्स चोरी हो गया था। तो 1200 तो वो चले गए थे, 1200 और थे वो चले गए थे। तो बड़ा अपसेट सा हो गया, मैंने कहा यार तो पार्टिसिपेट करने आया था मैं। तो अरशद भाई ने बोला कि तू पार्टिसिपेट कर, कोई दिक्कत नहीं है, हम ले लेंगे 1200 रुपये। तो आपका उधार था उस टाइम लेकिन चुकाया मैंने फिर। नहीं ऑनेस्टली ये इट इज़ नॉट बिकॉज के ही हैज़ बीन द मोटिवेशन बिटवीन दिस पर्टिकुलर लोगो जो आप सब देख रहे हैं, बट ऑनेस्टली एक सबमिशन आज मैं भी आपको देना चाहूँगा कि आई एम नॉट अ वेरी गुड स्पीकर। और आज से 3 साल पहले हमने जयपुर क्लब में इवेंट मैनेजर जब ऑर्गेनाइज किया, तो ऑल ऑफ अ सडन ये सरप्राइजेस देते रहते हैं सबको। तो शाम में मुझे 5:30 बजे एक पर्चा पकड़ाया, बोले कि भाई ये पकड़। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये ना जयपुर क्लब में हम जो शाम का इवेंट कर रहे हैं उसको तू एड्रेस कर रहा है, और तू उसको जो है आप ब्रीफ करोगे उसको आइडियली कि व्हाट इज इवेंट मैनेजर टू द पब्लिक। तो मैंने ज़िंदगी में कभी स्टेज फेस नहीं किया था, काम बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे 12-13 साल मुझे भी हो गए काम करते हुए, पर कभी स्टेज फेस नहीं किया था, कभी पब्लिक ऑडियंस को मैंने एड्रेस नहीं किया था। तो मैं वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि बोले यार बॉस तो इम्पॉसिबल है, आप फंबल कर जाते हो, आप बात नहीं कर पाते हो, आप बोल नहीं पाते हो, काम जितना मर्जी आप कर लो। बट ही मोटिवेटेड मी कि नहीं यार ये स्टेज तो आज तुझे ही हैंडल करना है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हिम्मत करके जब मैंने उसको हैंडल किया, तो आज शायद 3 साल बाद मैं आपके सामने बैठ के एक ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूँ और राहुल से इस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ। तो दिस क्रेडिट ऑल्सो गोज टू हिम एंड ही इंस्पायर्स लॉट ऑफ पीपल। इट इज़ नॉट राहुल, मी और अदर, इस पूरे हाउस में जितने लोग बैठे हैं शायद काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो इनके इंस्पिरेशन और इनके आप, माफी चाहूँगा बात काट रहा हूँ, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं
और ये खाली आपको अर्शद सर ने मोटिवेट नहीं करा, मुझे भी किया था। जब वो कॉन्टेस्ट था मेल ऑफ द ईयर, तो मैंने फॉर्म फिल करा तो अर्शद सर को मैंने बोला कि मैं फाइनल तक तो आ जाऊँगा, इतना तो मुझे विश्वास है, लेकिन आपने जजेस को बोलना मेरे से क्वेश्चन हिंदी में करें। क्वेश्चन सबमिशन मुझे दिन में आ गया था, मेरे से इंग्लिश में बात मत करना, मेरे से हिंदी में। ठीक है, मैं आज अपने आप को कंट्रोल करके रखूंगा। देखिए मैंने कहा ना, सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। इंसान को अपनी कमजोरियाँ पता होंगी तो फाइट कर पाएगा वो। और इंग्लिश ना आना मुझे लगता नहीं ये कोई कमजोरी है या इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। सवाल ही नहीं है, ऐसा आप एक्सेप्ट करोगे तो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। नहीं, कभी भी हमारा काम इस चीज का मोहताज नहीं है कि आप इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले। तो अर्शद भाई को मैंने बोला, मैंने कहा आप इतना सब मेरे लिए कर देना फेवर कि जजेस को बोलना क्वेश्चन हिंदी में करें मेरे से। और ये हुआ, उन्होंने हिंदी में पूछा, मैं हिंदी में बताया और मैं जीत गया। एनीबॉडी एल्स, कोई सवाल? जी एक सवाल, हरप्रीत जी। सर राहुल जी नमस्कार। सर नमस्कार, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, बस एक छोटी सी लाइन में एक जवाब चाहता हूं मैं आपसे। मैं आज फुल मूड में हूं बोलने के साथ। आपने जो पहले बोला था वो बिल्कुल सही नहीं था कि आप 1999 के बाद आज माइक हाथ में ले रहे। मैंने आपका रेडियो मिर्ची में शायद या कहीं पर ये 16 लाख रुपए वाले नंबर का इंटरव्यू सुना है। वो लाइव इंटरव्यू फोन पे हुए। जी जी, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हाँ, चलो माइक नहीं आया मेरे हाथ में। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, यकीन कीजिए पहली बार माइक है 99 के बारे में, इसमें कोई झूठ नहीं है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इतनी सी बात पूछना चाहता हूँ, इन सब पूरी सक्सेस के पीछे आपके पीछे किस व्यक्ति को आप आदर्श मानते हैं? थैंक यू। देखिए जिंदगी में कोई व्यक्ति आदर्श नहीं होता, चीज़ें आदर्श होती हैं, एक्टिविटीज़ आदर्श होती हैं, आपकी सोच आदर्श होती हैं। किसी एक इंसान को आदर्श मानते रहो, उसको फॉलो करते रहो, मैं शायद उनमें से नहीं हूँ और इससे बेहतर मैं नहीं बोल पाऊँगा इस बारे में। मैंने लाइफ में कुछ चीज़ें फॉलो करने की कोशिश करी हैं, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, थिंक ट्राई फॉर द बेस्ट बी रेडी फॉर द वर्स्ट, ये बड़े कॉमन सी चीज़ें हैं, मैं भी उसको फॉलो करता आ रहा हूँ। तो मेहनत कर रहा हूँ, नीयत ठीक रखता हूँ, सोचता हूँ सही ट्रैक पे काम करूँ, सोचता हूँ जो कहता हूँ वो कर पाऊँ। तो आई गेस इससे बड़ा कोई आदर्श वाला पॉइंट मैं बता नहीं पाऊँगा आपको, इसका आंसर है नहीं मेरे पास। आई थिंक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये क्रक्स है इस बात का कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी।